व्हाट्स अप गाइस, मस्त मजेदार मीम्स लेके आ चुके हैं। तने भाई की वीडियो है सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच की। तो भैया मजेदार तो मैच हुआ, लेकिन वो मजेदार इतना ही था कि एक तरफा ही हो गया वो। तो देखते हैं एमएस धोनी ईटिंग बटर चिकन आरसीबी वर्सेस सीएसके मजेदार मीम्स करते हैं। 1 2 3 गो। ये ट्रॉफी यहां कैसे आई? अरे फौरन रख उसे, रख दे वापस। अरे ईसा कप नाम दू। भाई साहब, आरसीबी फैंस डब्ल्यूपीएल देख के शॉक में चले गए थे। कल का मैच देख के इनकी सांसें वापस आई है कि चलो पृथ्वी नॉर्मल हो चुकी है। किसी किसी का तो यो भी कहना है कि आरसीबी वुमेन्स टीम और आरसीबी मेंस टीम का भी मैच करा दो ना, तो भी आरसीबी वुमेन्स टीम को ही जीतना है। भाई ज्यादा हो गया। हर साल आईपीएल जब स्टार्ट होता है ना, तुम पॉइंट्स टेबल देखना, उसमें आरसीबी हमेशा टॉप पे रहता है, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है इसके बाद फैंस को ये देखने का मौका नहीं मिलेगा। बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, अपने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। भाई फाफ डुप्लेसिस आधे मैच में पेरी को फोन करने लगा कि आ जाओ यार एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। 16 साल पहले आरसीबी ने सीएसके को चेन्नई में हराया था। आरसीबी ने बोला यार ये बढ़िया रिकॉर्ड है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। शुरू के 3 ओवर्स तो आरसीबी ऐसा खेली है ना भाई, लग रहा था ये साल आरसीबी का ही है। अगर आपकी टीम ऑल आउट हो गई तो 10-5 ऑल आउट हो ही नहीं सकती, इतने मजबूत खिलाड़ी है मेरे। पर उतने में बांग्लादेशी नागिन प्रकट हो गई बीच में। बांग्लादेश मारा नहीं, मतलब मार नहीं पाए। उसने आपको मारा? यस Yes. क्या टूटा था आपका? मतलब आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, अक्षय पाजी ऊपर से आ रहे थे, टाइगर श्रॉफ नीचे से आ रहा था, सोनू निगम देशभक्ति के गाने गा रहे थे, ये सब देख के फैंस के मन में यही आया भाई ओपनिंग सेरेमनी का हम लोगों को इतना क्रेज होता है टीवी पर देख के, तो प्लेयर्स के तो लाइव चल रहा होता है सामने, उनको कितने मजे आते होंगे। फिर हमने सोचा हटाओ मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। माही भाई ने इतनी ओपनिंग सेरेमनी देख ली है, उन्होंने बोला मुझे खाना खाने दो यार। और माही भाई मैं भी आपसे एग्री कर गया जब मैंने ओपनिंग सेरेमनी में ये देखा। ये जहां दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई, बुला लिया इसको देखने से अच्छा माही भाई मैं भी बैंगन की सब्जी खा लूं, पेट भरा हो तब भी नहीं। मतलब एक तरफ सचिन पाजी वीरू पाजी पिच के बारे में बता रहे हैं, नए फॉर्मेट के बारे में बता रहे हैं, और बीच में अचानक से ये आदमी आ जाता है ये बोलता हुआ कि मेरे फैशन डिजाइनर ने ना कपड़े मेरे छोटे कर दिए। ओह माय गॉड। फाफ डुप्लेसिस को तो अपने सीएसके वाले दिन ही याद आने लग गए आरसीबी का परफॉर्मेंस देख के। एबीडी विलियर्स ने भी आरसीबी फैंस को ऐसी उम्मीदें दी है ना, इंटरव्यू में भाई ने बोला कि ये 17th आईपीएल है और मेरा जर्सी नंबर भी 17th है, तो हम लोग इस बार आईपीएल जीत रहे हैं। तो उसके नीचे एक बंदे ने कमेंट किया कोई बात नहीं, इस साल अगर मिस भी हो गया तो कोहली भाई का जर्सी नंबर 18 है, अगले साल जीत जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था मामला, पर इसके नीचे एक हरामी मानुस ने कमेंट किया, हाँ हाँ अगर वहां तक भी नहीं जीते तो क्रिस गेल का जर्सी नंबर 333 है, वहां जीत जाएंगे। ओ तेरी, तो भैया ये क्या? रजत पाटीदार भाई के लिए फैंस 3 ट्रांजिशन से गुजर चुके हैं भाई, इसको इंडियन टीम में मौका देना चाहिए यार, क्या मस्त बैटिंग करता है, टेस्ट मैच के लायक नहीं है भाई। ना ना आईपीएल तक ठीक है बात, भाई इसे आईपीएल क्यों खिला रहे हो यार। और मैक्सवेल भाई भी रजत पाटीदार के वो दोस्त निकले जिन्होंने बोला तू पढ़ाई करके नहीं जा रहा ना, चल तेरा भाई भी साथ चलता है तेरे बिना पढ़ाई के। पढ़ाई कर भाई, हमको तो बैठा बैठा कर लेटा लेटा कर पेला था ये आदमी, वो भी एक पैर पर। आरसीबी से रन ना बन रहे इनसे, यहाँ से पैसा कमा के जाते हैं और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देते हैं, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस के बच्चे। रजत भाई की परफॉर्मेंस देख के खुद साक्षात हमारे राइटर भाई की नींद लग गई। सोने दो भाई, देखो इस आदमी का जीवन से रस चले गया ना तो हमारे जीवन से भी रस चले जाएगा, इन्हें उठाओ भाई, एक बार तो प्लेयर सो जाए चलेगा, ये आदमी मुझे जगा हुआ चाहिए। एक जमाने में माही भाई ने इस नागिनिये को टक्कर मार दी थी, चोट इसको आज जाके लगी है भाई, जिस ओवर में आया बंडल में ही विकेट लेके गया, हर ओवर में 2-2 विकेट। ये सब देखने के बाद सीएसके फैंस ने तुषार देशपांडे को हाथ वाथ बांध के माही भाई के सामने रख दिया कि एक टक्कर जोर से इसको भी दो भाई, बहुत जरूरी है, हर मैच में सामने वाली टीम का इम्पैक्ट प्लेयर बन जाता है। लगता है माही भाई ने तुषार देशपांडे की बॉलिंग नेट प्रैक्टिस में ही देख ली थी, तभी हमें कैप्टेंसी दे दी। इसके 3 ओवर देख के लग रहा था लास्ट ओवर हम खुद ही डाल दें। भाई मैंने अलजारी जोसेफ के बारे में तुमको पहले भी बोला था कि ये ओवर प्राइस्ड प्लेयर है, ठीक है एवरेज बॉलर है, पर भाई साहब 11 करोड़
11 करोड़ तो बाउंसर ने मार दी इसने पिछले 4 ओवर में। आरसीबी के बॉलर्स ने वैसे भी ये 1 ओवर में 2 बाउंसर वाले रूल को गलत ही पढ़ लिया। ये भाई 2 नॉर्मल बॉले फेंक रहे थे और बाकी 4 बाउंसर हैं। रोहित भाई उधर डेट चेक करने लग गए कि आरसीबी से मैच कब है। अब एम्पायर ये 1 ओवर में कितनी बाउंसर डाल सकते हैं? 2 बॉल बाउंसर मार सकते हो 1 ओवर में। अच्छा 6 बॉल्स? अबे बहरे 2 बॉल्स। अरे वही तो बोला मैंने 6 बॉल्स। भड़काऊ न्यूज़ आ रहे, बात कई दिन बाद आई आज पे। राइटर की 3 मिनट झपकी लगने से मैच को बीच में रोकना पड़ा। बीसीसीआई को लगा आंखें बंद करके कोई नए सस्पेंस के बारे में सोच रहे हैं आईपीएल के राइटर क्रिस्टोफर नॉलन। 3.5 घंटे के इस मैच में 2 घंटे महेंद्र सिंह धोनी को दिखाया गया और बाकी के 1.5 घंटे मैच का प्रसारण हुआ। गौतम गंभीर ने टिप्पणी देते हुए कहा, एक प्लेयर मैच नहीं जिताता। लास्ट गेंद पर आरसीबी का रिव्यू देख 3rd एम्पायर की निकली रू चेन्नई से जम्मू कश्मीर की तरफ। कहा, टाइम बर्बाद मत करो आरसीबी वालों, घर जाओ और अगले मैच पर ध्यान दो। मुस्तफिजुर का परफॉर्मेंस देख रजत पाटीदार माही के रूम के सामने लेट गए। कहा, जोर से धक्का दोगे तभी जाऊंगा। आरसीबी वर्सेस सीएसके के तगड़े तगड़े मीम्स देखने के लिए तनय के सेकंड चैनल तनय क्रिकेट लाइव को सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर में वहां पर वीडियो आने वाला है। तो भाइयों बस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुमको सेकंड चैनल का भी, तने क्रिकेट लाइव, जहाँ पे हमारा मीम्स वीडियो थोड़ी देर में आने वाला है। बाकी यार जैसे हमारा लाइव सेटअप जम जाता है वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर देंगे, तब तक जाके बेल आइकन प्रेस कर लो और ऑल दबा दो भाई साहब, धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर दो। भाई कल का जो मैच था ना सीएसके आरसीबी का, शुरुआत ताबड़तोड़ थी आरसीबी की, फिर उन्होंने थोड़ा सा स्लो मतलब स्लो क्या करा मुस्तफिजुर रहमान, वो क्या भाई ने क्या बोला, बांग्लादेशी नागिन नागिन याद है वो टाइम जब धोनी और मुस्तफिजुर की वो हुई थी, इसमें धोनी ने एक बार मारता हुआ इंजर्ड हो गया था उसको चोट मतलब। लेकिन आज जिस तरीके से मतलब भाई बॉलिंग करी है ना उसने बंदे ने, खा गया आरसीबी के मिडल ऑर्डर। लेकिन दिनेश कार्तिक की बैटिंग की तारीफ बनती है भैया, अच्छी बैटिंग करी दिनेश कार्तिक ने और उसने क्या बोलते हैं रावत ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी। लेकिन मैच में वही चीज है, धोनी अगर जिस मैच में, और धोनी को ना दिखाया कैमरामैन तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब शॉट पड़ रहा कुछ भी हो रहा था ना तब भी धोनी को ही दिखाया जा रहा था बार बार। लास्ट ईयर याद है जैसे ही विकेट 4-5 विकेट के बाद ना धोनी जब पैड वेट पहनता था कैमरामैन उसे अब होता था वो अब मुश्किल से कभी पैड पहना फिर ग्लव्स पहन लिया और बस मैच खत्म फिर वहीं पर ही। हाँ नहीं एक ग्लव पहनता है कैमरामैन कहते हैं अभी धोनी है नहीं कोई और आ रहा है फिर कोई और आ रहा है। तो भाई अभी मीम्स की वीडियो भी आएगी भाई की, तो उस पर भी जरूर रिएक्ट करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा था कल का मैच, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना क्या कहते हैं वो ओपिनियन और अपना क्या कहते हैं वो ओपिनियन मत बोला कर, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा ओपिनियन देने। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।